Hello everyone. So, in today's lecture, we are further moving on with the topic transcription. But today, we are discussing the last topic of the transcription is the process, main process, right? That how mRNA actually forms from the DNA strand, or we can say from the gene, right? The part of a DNA. Okay. In last lecture, we discussed about the ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ओनली बट उसके सब टॉपिक से वो हमने कुछ देखे थे जो थे स्ट्रक्चरल जीन फिर इंट्रोडक्टरी पार्ट था राइट right? फिर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ये थ्री टॉपिक है वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे आज फोर्थ एंड लास्ट जो कि है मेन प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन ओके सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस वेर डी एन ए गिव्स इट मींस जीन गिव्स इट्स इंफॉर्मेशन टू आर एन ए ठीक है ट्रांसक्रिप्शन हम किसे बोलेंगे सो so, ये एक प्रोसेस है जिसमें डीएनए की जो डिटेल है वो कॉपी होके बनता है आर एन एन डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है आर एन ए को ठीक है विच इज एम आर एन ए बाई द वे ओके सो ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन थ्री थ्री स्टेप फर्स्ट इनिशियशन सेकेंड इलांग थर्ड टर्मिनेशन तो ये थ्री मेन स्टेप है अब ये थ्री स्टेप्स मेन जो खत्म हो जाएंगे उसके बाद जो एम बनेगा वो एक्चुअली होगा एच हम डिस्कस करेंगे थर्ड स्टेप के बाद बट अभी सिर्फ बता रही हूं फिर ये अभी फंक्शनल नहीं होगा फंक्शनल होने के लिए ये थ्री प्रोसेस के बाद भी उसके ऊपर यानी उस एच एन आर एन ए के पर थ्री और मॉडिफिकेशन होंगे थ्री कुछ चेंजेस होंगे उसमें तब जाके ये एक्चुअल और वी कैन से द फंक्शनल एमआरएनए जो कि काम कर सकता है ठीक है तो इस तरह से ये कुछ आज हम सिक्स स्टेप्स एक्चुअली पढ़ेंगे थ्री है ये मेन प्रोसेस एंड थ्री है मोडिफिकेशन ओके okay? तो इस हिसाब से हम आज का पूरा लेक्चर है वो देखेंगे अब एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं साथ में ही कवर करूंगी क्योंकि फ्यू लाइन्स है जो कि आपको एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है अदरवाइज ये पूरा थियोरटिकल क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही ठीक है तो अलग से मैंने बताया कि ये जो दो तीन पॉइंट हम डिस्कस करें वो एक्स्ट्रा है ठीक है सो आपको पता चले कि आपको थ्योरी में कितना लिखना है और एमसीक्यू के लिए क्या प्रिपेयर करना है सिर्फ ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन ठीक है ये थ्री स्टेप है याद रखना इनिशिएशन इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन तो इधर आपको नाम से भी पता चल रहा होगा इनिशिएशन मतलब कुछ शुरू होना है सेकेंड है इलोंगेशन यानी पूरा एम आर एन ए बन जाना पूरी लंबी प्रोसेस होना एंड द लास्ट खत्म होती है तो उसे हम बोलते हैं टर्मिनेशन जहां पे ये पर बनना स्टॉप हो जाएगा क्लियर सो so, सबसे पहले देखते हैं इनिशिएशन सो इनिशिएशन में यानी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है जो कि स्टार्ट होती है व्हेन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद द प्रमोटर साइट ऑफ द डीएनए और हियर वी कैन से जीन राइट क्योंकि जीन में से ही एमआरएनए बनता है एक्चुअल में जो कि डीएनए की सीक्वेंस है जीन इज अ पार्ट ऑफ अ डीएनए तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू कब होगा जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा प्रमोटर रीजन के साथ तो ये आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था ठीक है तो उसके हिसाब से आपको भी याद होना चाहिए एक बार वापस डायग्राम दिखा देती हूँ ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की जो हमने पढ़ी थी ठीक है प्रोमोटर रीजन होता है जहां पे हमने लिखा भी है उधर बाइंडिंग साइट फॉर द आर एन ठीक है फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर जीन यानी पूरा एम आर बनेगा और यहाँ पे आके टर्मिनेटर पे आके प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी ठीक है तो इस प्रमोटर रीजन की हम बात कर रहे इधर सो आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड होगा प्रमोटर साइट के साथ तब जाके ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो शुरू होगी ठीक है अब उसमें भी आरएनए पॉलीमरेज में भी कौन रिकॉग्नाइज करेगा इस सीक्वेंस को प्रमोटर सीक्वेंस को सो so, सिग्मा फैक्टर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइजेस द प्रमोटर साइट ऑफ डीएनए तो ये एमसीक्यू के लिए भी याद रखना ठीक है थ्योरी में तो लिखना ही है आपको बट एमसीक्यू के लिए भी याद रखना है आर एन ए पोलीमरिज का कौन सा पार्ट तो आपने देखा था मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये भी समझा था जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं इकोलाई में तो उसका एग्जाम्पल लेके हमने बताया था कि फाइव पोलीपेप्टाइट चेन्स होती है एंड वन मोर फैक्टर होता है सिग्मा फैक्टर ठीक है तो इस हिसाब से ये सारे मिलके बनाते हैं आर एन ए पोलीमरिज तो आर एन ए पोलीमरस का जो एक ये पार्ट है जिसे हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर वो एक्चुअल में रिकॉग्नाइज करता है प्रोमोटर साइड को और वहां पे जाके फिर आरएनए पोलीमरिज को बाइंड करवाता है ठीक है अब ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है वो एक्स्ट्रा पॉइंट है यानी आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखना है बट एक्स्ट्रा बट आपको यह एमसीक्यू के लिए याद रखना है एंड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू सो अब ये सिग्मा फैक्टर है ठीक है वो रिकॉग्नाइज करता है साइट अब ये दो पॉइंट है किन प्रोकेरियोड यानी बैक्टीरिया वगैरह में बिफोर द टेन नाइट्रोजन बेस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट यानी जहाँ से एक्चुअल में एम सिंथेसिस स्टार्ट होता है यानी वहाँ से अ सिक्वेंस ऑफ सिक्स बेस पेयर तो छह बेस पेयर की एक सिक्वेंस होती है जो कि है टी ए टी ए ए टी इज प्रेजेंट ऑन द डी एन विच इज कॉल्ड प्रिबनो बॉक्स तो प्रोकैरियोट में ये प्रिबनो बॉक्स एक होता है जो कि सिक्स बेस पेयर का है हमने बेस पेयर भी लिखी है सारे आपको एमसीक्यू के लिए याद रखने बेस पेयर भी पूछी जा सकती है उसका नाम भी पूछा जा सकता है और नंबर ऑफ बेस पेयर भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू ठीक है विच इज कॉल्ड प्रिबनो बॉक्स जबकि इन यूकेरियोट्स बिफोर द 20 नाइट्रोजन बेसिस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट अ सीक्वेंस ऑफ सेवन बेस पेयर व्हिच इज टी ए टी ए ए ए ए टी ए टी ए टी इज प्रेजेंट ऑन डीएनए विच इज कॉल्ड टाटा बॉक्स क्योंकि ये कुछ दूसरी सीक्वेंस है, टी है, टी है टाटा ही बार बार फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहा है सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड टाटा बॉक्स और हेगनेस बॉक्स ठीक है सो ये दो तरह के बॉक्स यानी कुछ सिक्वेंस बॉक्स मतलब एस एच बॉक्स नहीं है सिक्वेंस का ही नाम दिया गया है तो ऐसी कुछ रिकोग सिक्वेंस होती है प्रोकरियोट और यूकेरियोर्स में ठीक है जहां पे जाके ये पोलिमर है वो उसको रिकग्नाइज करता है एक्चुअली सिक्वेंस को ठीक है जैसे कि हमने यहाँ पे ये वर्ड यूज किया कि सिग्मा फैक्टर रिकग्नाइजेज द प्रमोटर साइट ऑफ डीएनए कैसे प्रमोटर साइट को रिकोग्नाइज करेगा तो बाई दिस काइंड ऑफ सिक्वेंस ओके प्रोकरियो में भी अलग है यूक्ट्स में भी अलग है जो आपको याद रखना रखने में दो सीक्वेंस है और उसको उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं प्रोक्रोट्स में बोलते हैं प्रिब्नो बॉक्स और यूक्ट में बोलते हैं टाटा बॉक्स और ओग्नेस बॉक्स ठीक है नाउ अब ये ब्रैकेट में जो लिखा हमने ये एक्स्ट्रा है ठीक है तो आपको थियोरिटिकल पार्ट जब पूछा जाए तब इनिशिएशन के पॉइंट में ये नहीं लिखना है दोनों अब यहां से वापस लिखना है आपको सो एट स्टार्ट पॉइंट आर एन ए पोलिमर इज इन जाइम ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द टू डी एन ए स्ट्रेंथ एंड सेपरेट दैन वन ऑफ दम स्ट्रेंथ टेक्स पार्ट इन अ ट्रांसक्रिप्शन एंड इट प्रोसेट्स इन फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन जो कि आपको पता है अभी राइट right? तो इनिशिएशन हो गया ये कि पहले तो आरएनए पॉलीमरेज आया वो बाइंड किया प्रमोटर साइड के साथ उसमें भी आरएनए पॉलीमरेज का कौन सा पार्ट सिग्मा फैक्टर ने सीक्वेंस रिकॉग्नाइज की कौन सी सीक्वेंस वो एक्स्ट्रा है वो आपको थियोरिटिकल क्वेश्चन में नहीं लिखना है फिर अब क्या करेगा ये आर एन एलिमरेज बाइंड होकर अब करेगा क्या तो भी उसको पहले तो क्या करना पड़ेगा कि डीएनए की जो डबल स्ट्रेन कोइल्ड है एक दूसरे के अराउंड उसको क्या करना पड़ेगा खोलना पड़ेगा ना तो दोनों स्ट्रेन को अलग करेगा तो अलग कैसे करेगा तो अलग करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा दोनों स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेसिस के बीच में जो नाइट्रोजन बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उसको ब्रेक करना पड़ेगा तो बेसी ऑटोमेटिक दोनों स्ट्रैंड है वो अलग हो जाएगी तो वो क्या करेगा सबसे पहले डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करेगा बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड देन अब ये सिंथेसिस स्टार्ट होगा कौन सी डायरेक्शन में फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन तो ये अभी आपको पता है कि ऑलवेज जो भी नया सिंथेसिस होना है चाहे वो डीएनए का हो चाहे वो आरएनए हो कुछ भी हो कुछ नई चीजें बन रही है तो वो ऑलवेज होगी इन द डायरेक्शन ऑफ प्राइम प्राइम टू क्लियर तो तो ये तो आपको रूल है याद ही रख लेना है ठीक है चाहे हम कोई भी वर्ड यूज करो डीएनए हो या आरएनए हो अब हम विद द फिगर्स डायग्राम के थ्रू समझते विधि ऑल थ्री पार्ट्स देन बाकी के दो थियोरिटिकल पॉइंट्स में दिखाऊंगी तो इनिशिएशन इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन कैसे होता है ठीक है तो ये डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं तो इनिशिएशन के हमने थियोरिटिकल पॉइंट्स पढ़े ठीक है मान लो ये दो ये डीएनए की स्ट्रैंड है एक हमने पिंक कलर की दिखाई है दूसरी है ब्लू कलर की ठीक है तो ये सब डीएनए होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर अब क्या होगा ये हमने ग्रीन कुछ पार्ट बताया इधर जो कि प्रोमोटर रीजन है मान लो ठीक है तो अब इस प्रोमोटर को कौन रिकॉग्नाइज करेगा आरएनए पॉलीमरेज तो ये ब्लैक हमने आरएनए एन उसमें भी कौन तो आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर तो ये बाइंड हो गया इस प्रोमोटर रीजन के साथ बस यही है इनिशिएशन ठीक है अब ये क्या करेगा तो दोनों स्ट्रैंड को अलग करेगा बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बोर्ड तो उसके बाद अब आएगा इलोंगेशन प्रोसेस ठीक है तो इलांगेशन में क्या होता है आगे बढ़ेगा आर एन ए और एम आर एन ए है वो बनाता जाएगा सिर्फ यही प्रोसेस है इलोंगेशन में तो जैसे कि यहां पे पहले बाइंड हुआ था ये ग्रीन पार्ट पे प्रमोटर आगे बढ़ा और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा इधर आप देख सकते हो डायग्राम में कि दोनों स्ट्रैंड है वो अनवाइंड हो गई है खुल गई है और हाइड्रोजन बोन्ड बीच के ब्रेक हो गए तो जैसे जैसे ये आरएनए पोलिमरीज आगे बढ़ेगा बॉन्ड से वो ब्रेक होते जाएंगे दोनों स्ट्रैंड ओपन हो जाएगी और उसमें से कॉपी होके एम आर वो साथ में बनता जाएगा इसका भी मैंने एनिमेशन लिंक है वो लास्ट लेक्चर में ही दे दी थी आपको ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की और आज भी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की वो लिंक आप वापस देख सकते हो लास्ट लेक्चर की यानी कि लेक्चर नंबर सिक्स की, की एंड आज जो मॉडिफिकेशन में पढ़ाऊंगी एम आर एन ए बनने के बाद उसकी भी एनिमेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है जो कि आप वहां से एनिमेशन के थ्रू भी अच्छे से समझ सकते हो इस प्रोसेस को ठीक है सो इलांगन का मतलब क्या आर एन ए पोलिमरेस आगे बढ़ रहा है दोनों स्ट्रैंड ओपन हो रही है और साथ साथ इधर ये एमआरएन ए भी बना रहा है और ये आर एन ए पोलीमरेस का सिग्मा फैक्टर है वो आफ्टर द रिकोगशन रिमूव हो जाएगा दूर हो जाएगा अब सिर्फ आर एन ए पोलीमरे से आगे बढ़े गए सिग्मा फैक्टर निकल गया ठीक है क्योंकि उसका काम था सिर्फ प्रमोटर को आइडेंटिफाई करना जो कि उसने कर दिया इनिशिएशन के थ्रू क्लियर और द थर्ड एंड द लास्ट स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस इज टर्मिनेशन सो टर्मिनेशन मतलब क्या तो लास्ट में सिक्वेंस आएगी जो कि टर्मिनेशन पार्ट है अब वहां से आर एन ए पोली से वो डिटेच हो जाता है निकल जाता है रिमूव हो जाता है ठीक है और ये रिमूव्स को कहाँ से होना है वो आइडेंटिफाई करेगा आर एन का रो फैक्टर ठीक है उसमें एक रो फैक्टर होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है इस लास्ट स्टॉप सिक्वेंस को और वहां से टर्मिनेशन हो जाता है यानी अब वहां से ये एम बनना स्टॉप हो जाएगा तो आप देख सकते हो इधर हमने आर के साथ आर uh, के साथ जुड़ा हुआ अब बनाया है ये पोलीमरेज के साथ आर एन यहाँ पे हमने ये अलग कर दिया यानी आर एन भी रिमूव हो गया और एमआरएनए भी निकल गए यानी बन गए इतना ही बनना था ठीक है उसी को बोलते हैं हम टर्मिनेशन यानी प्रोसेस स्टॉप होना तो इसको आइडेंटिफाई करेगा रो फैक्टर ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज वो अभी डीएनए से डिटैच हो जाएगा और एमआरएनए है वो बन जाएगा क्लियर सो दैट इज हाउ इनिशिएशन इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन प्रोसेस अकर्स तो अभी इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन के हम थ्योरेटिकल पॉइंट देख लेते हैं सो नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट इलोंगेशन ठीक है बट बिफोर दिस ये दोनों आप शॉर्ट में याद रखना एमसीक्यू के लिए कि ऑलवेज इनिशिएशन फैक्टर है वो है सिग्मा एंड द टर्मिनेशन यानी एंड प्रोसेस को रिकॉग्नाइज करता है रॉ फैक्टर ऑफ आर एन ए पोलिमरिस दोनों फैक्टर आर एन ए पोलिमरिस के ही हैं ठीक है इलोंगेशन में हमें अगर पॉइंट्स लिखने हैं थियोरिटिकल क्वेश्चन में तो कैसे लिखेंगे सो फर्स्ट राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफोसफेट कम टू डाई ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस ऑफ एंटीसेंसट्रेंथ टेम्पलेट स्ट्रेंड ठीक है तो डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रेंड के सामने अभी ये राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफोसफेट यानी सारी न्यूक्लियोटाइड से वो आती जाएगी और डीएनए के ओपोजिट है वो अरेंज होती जाएगी तो मान लो डीएनए में अगर ग्वानिन है तो उसके सामने आरएनए पोलीमरस कौन सी न्यूक्लियोटाइड लाएगा साइटोसिन क्योंकि जी है वो सी के साथ बाइंड होता है तो इस तरह से ये सारी न्यूक्लियोटाइड से वो आती जाएगी बट ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो सारी ट्राइफोसफेट के रूप में होती है है तो एक्चुअल न्यूक्लियोटाइड तो ट्राइफोस्फेट नहीं होती है उसमें तो सिंगल ही फोस्फेट होता है तो ये बाकी के जो दो फोस्फेट हैं वो दूर हो जाएंगे और उसी से एनर्जी एक में इस प्रोसेस को मिलती है तो नेक्स्ट पॉइंट हम वो लिखेंगे पायरो हाइड्रोलेजिस एंजाइम है टू फोस्फेट हाइड्रोलेजिस टू फोस्फेट फ्रॉम द इच एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड एन दिस रिलीज इस so, नाम का जो एंजाइम है वो क्या करेगा इन तीन फॉस्फेट मोलिक्यूल कर देगा और जैसे दो रिलीज हो जाएंगे तो उससे कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है और यही एनर्जी कहां पर इसी प्रोसेस में यानी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में ही यूज होगी ओके okay? नेक्स्ट अब क्या करेगा चलो ये तो हो गया न्यूक्लियो का बात अब आर एन ए पोलिमर एनजाइम Establish phosphodiester बॉन्ड बिटवीन द एडजस्टन राइबो न्यूक्लियोसाइड तो यानी एक न्यूक्लियोटाइड आती जाएगी और उसके बीच में ये फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो बनाता जाएगा और इस तरह से पूरी आरएनए की चेन है वो बनती जाएगी तो कौन सा बॉन्ड होता है न्यूक्लियोटाइड के बीच में ये आपको याद रखना है एडजस्टन न्यूक्लियोटाइड के बीच में ठीक है एन द लास्ट सिग्मा फैक्टर सेपरेट एंड आरएनए पॉलिमर इज मूव अलोंग द एंटीसेंस ट्रेन टिल इट रीचेज द टर्मिनेटर साइट तो जैसे कि मैंने आपको बताया डायग्राम में अभी कि सिग्मा फैक्टर है वो आफ्टर द रिक्नेशन ऑफ प्रमोटर रीजन वो सेपरेट हो जाता है रिमूव हो जाता है अब सिर्फ आरएनएपोलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा पूरी चेन में डीएनए की और उसके साथ साथ वो एमआरएनए सिंथेसिस भी करता जाएगा यानी न्यूक्लोटाडेक के बाद एक ओपोजिट डीएनए की लाता जाएगा और उसको एक दूसरे के साथ जोड़ता जाएगा ठीक है इस तरह से एमआरएन ए साइड बाई साइड बनता जाएगा क्लियर दिस इज द इलांगेशन प्रोसेस उसके ये स्टेप्स हमने देखे एंड लास्ट टर्मिनेशन यानी खत्म हो जाना इस प्रोसेस का सो व्हेन आरएनए पॉलीमरेज वेन एट टर्मिनेटर ए इट सेपरेट्स फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट ऑब्वियसली जहां पे ये टर्मिनेटर साइट आ जाएगी साइट आ जाएगी तो वहां पे ये आरएनए पॉलीमरेज वो रिमूव हो जाएगा इन मोस्ट केसेस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैन रिकॉग्नाइज़ टर्मीनेटेड साइट एंड स्टॉप द सिंथेसिस ऑफ आरएनए चे बट इन प्रोकेरियोड इट रिकोग्नाइजेज द टर्मिनेटेड साइट विदेल्प ऑफ अ रो फेक्टर ठीक है तो ये रॉ फेक्टर की किस में जरूरत पड़ती है सिर्फ प्रोकेरियड्स में यानी बैक्टेरिया में अदरवाइज यानी हमारे सेल्स की बात अगर हम करें यूकेरियोड्स की तो वहां पर आरएनए पोलीमरेज है वो खुद ही रिकोगनाइज कर लेता है कि अभी टर्मिनेटर साइट है वो आ गई है ठीक है उसको रो फेक्टर की जरूरत नहीं ये रो फेक्टर कहाँ पे यूज होता है प्रोकेट मीन बैक्टेरियल सेल में क्लियर तो यह बात हो गई टर्मिनेशन की अब यह टर्मिनेशन होने के बाद आर एन ए बना तो मैंने आपको पहले बताया वो कैसा है, अभी है जिसको एच एन आर एन ए बोलते हैं ठीक है थीके, अभी उसको एक्टिवेट करने के लिए थ्री मोर मॉडिफिकेशन थ्री प्रोसेस है वो और लगती है जिसके बारे में आप बात करते हैं ओके सो नाव लेट्स टॉक अबाउट द मोडिफिकेशन सो मॉडिफिकेशन ऑफ एम आर एन ए आफ्टर इट्स सिंथेसिस यानी कि थ्री स्टेप बनने के बाद जो एम आर एन ए बना यानी प्रीकर्सर बना जो उसका मॉडिफिकेशन अब कैसे होगा सो इन बैक्टेरिया एम आर एन ए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव एज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ टेक प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट जैसे कि देर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड न्यूक्लियस इन द बैक्टीरिया ठीक है तो बैक्टीरिया के केस में यानी प्रोकैरियोट्स के केस में ये एम बनने के बाद फिर ये प्रोसेसेस, यानी मॉडिफिकेशंस नहीं होते उसमें एक बार बन गया तो बन गया ठीक है ऐसा क्यों क्योंकि वहां पे बैक्टीरियल सेल में यानी प्रोकैरियोट्स में कोई ऐसे अलग अलग सेल के अंदर कंपार्टमेंट नहीं होते क्योंकि उसका प्रोक्रियस उनको तभी कहा जाता है क्योंकि उनके न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियर एनवेलोप नहीं होता तो एस सच न्यूक्लियस आप डिफाइन नहीं कर सकते हो ठीक है बीच में कुछ डीएनए यानी न्यूक्लियर मटेरियल होता है ना उसके आसपास साइटोसोर होता है तो पूरा एक ही सेल है सेल के अंदर फिर न्यूक्लियस जैसा कुछ नहीं होता है उसमें ठीक है तो देट इज वाई क्योंकि ये एम सिंथेसिस है वो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर यूकेरियोट्स में और जब ये एमआरएन बन जाता है तब वो न्यूक्लियस से बाहर आता है साइटोप्लाजम में ठीक है बट इधर तो बैक्टीरियल केस में ऐसा कुछ सेपरेशन है ही नहीं न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाजम ऑल राइट तो वहां पे फिर ऐसे मॉडिफिकेशंस की भी जरूरत नहीं होती है बैक्टीरिया में ठीक है तो ये पॉइंट हमने इधर लिखा है कि बैक्टीरियल केस में एमआरएन ए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव ठीक है क्योंकि वहां पे ऐसे कुछ सेपरेशंस है ही नहीं अलग कंपार्टमेंट है ही नहीं और दूसरी चीज क्या होती है बैक्टीरिया में मेनी टाइम्स द ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द एम आर एन एज फुल्ली थ्री मॉडिफिकेशन और दूसरी चीज क्या है बैक्टीरिया में कि एम आर एन ए जबकि पूरा नहीं बनता है उससे पहले ये ट्रा, ट्रांसलेशन है वो स्टार्ट हो जाती है यानी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस खत्म भी नहीं हुई होती है तो उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन बनना भी चालू हो जाता है क्योंकि उसमें कुछ कंपार्टमेंट जैसा है ही नहीं तो जैसे एमआरएन ए बनना स्टार्ट हुआ और आधा एमआरएन ए बन जाएगा तो उसके साथ साथ नीचे से ये प्रोटीन बनना भी शुरू हो जाएगा एमआरएनए में से ठीक है तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों प्रोसेस है वो साथ में ही खत्म होती है ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन जबकि यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है एम बनने के बाद भी उसमें थ्री मॉडिफिकेशंस होते हैं तब जाके वो एक्टिव एमआरएन बनता है फिर वो आता है न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में अब उसमें से राइबोसोम की मदद से बनता है प्रोटीन जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन जो कि हम इस प्रोसेस के बाद पढ़ेंगे ही वैसे भी बट अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए ठीक है तो अभी ये यूकेरियोर्स में कौन से थ्री मोडिफिकेशन होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं पहला होता है स्प्लाइसिंग ठीक है स्प्लाइस होना तो कुछ नाम से ही पहले समझ लो तो कुछ कट होते हैं जिसको हम स्लाइस करना बोलते हैं कुछ अगर हम कट कर रहे जैसे कि वेजिटेबल्स से, फ्रूट से, तो स्लाइसिंग इट राइट तो टुकड़े करना कुछ तो इधर भी कुछ ऐसा ही होगा सो आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन न्यूली फॉर्म्ड आर एन ए इज एच एन आर एन ए तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया जो आर एन ए बनेगा थ्री प्रोसेस के बाद उसको क्या बोलते हैं एच एन आर एन ए इसका क्या मतलब हिट्रोजीनियस न्यूक्लियर आर एन ए विच कंटेन बोथ द एग्जोन्स एंड द introns. इसके अंदर जो नया बनता है आर उसमें दोनों ये चीजें होती है एग्जोन एंड इंट्रॉन्स तो ये क्या है सिक्वेंसि है न्यूक्लियोटाइट की पर उसको हमने ऐसा नाम क्यों दिया है एग्जो एग्जोन्स एंड इंट्रॉन्स सो एक्जोन है वो क्या है फंक्शनल पार्ट है यानी एग्जोन्स जिसको हम बोल रहे हैं वो जो न्यूक्लियोटाइट की सिक्वेंस है वो कुछ काम कर रही है ठीक है वो कुछ कॉड कर रही है किसी ना किसी चीज की यानी उसके बाद जो प्रोटीन बनेगा तो एमाइनो एसिड के लिए वो कॉड कर रही है तो ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं एक्सोंस जो कि फंक्शनल पार्ट है ठीक है तो इसलिए हमने उसको अलग नाम दे दिया है ताकि हम अलग से आइडेंटिफाई कर पाए और कुछ नहीं और इंट्रॉन्स क्या है नॉन फंक्शनल पार्ट यानी ये ऐसे सीक्वेंस है जो कि सिर्फ है न्यूक्लियोटाइड्स वो कुछ काम नहीं करती उसका कुछ कोडिंग नहीं है ठीक है वो ऐसे ही है उसकी कोडिंग के थ्रू कुछ चीजें बन नहीं रही है तो उसको नॉन फंक्शनल पार्ट बोलते हैं क्योंकि वो कोई भी फंक्शन प्ले नहीं करता है ठीक है तो इस तरह के दोनों की दोनों टाइप की सीक्वेंस है वो एच एन आर एन ए में होगी यानी जो काम की सीक्वेंस है वो भी होगी और जिसका कुछ भी फंक्शन नहीं कुछ भी रोल नहीं है वैसी सीक्वेंस भी प्रेजेंट होगी एच एन आर एन ए में तो इसकी वजह से क्या होता है मॉडिफिकेशन में पहला स्प्लाइसिंग यानी हेंस इट इज सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग वेयर द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड यानी ये जो नॉन फंक्शनल पार्ट है वो दूर हो जाता है क्योंकि वैसे भी उसका कुछ काम नहीं है एंड रिमेनिंग यानी अब बाकी जो एक्स बचे यानी बाकी के टुकड़े जो भी बचे आर ज्वाइन इन अ डिफाइंड ऑर्डर और वो एक आपस में जुड़ जाएंगे ठीक है तो ये अगेन हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं मान लो ये कुछ एच एन आर एन ऐसा बना तो एक्जोन इंट्रोन एक्सोन्स इंट्रोन एक्सोन्स ऐसी कुछ सिक्वेंस है ठीक है तो इंट्रोन मतलब क्या नॉन फंक्शनल पार्ट तो उसका कुछ काम है ही नहीं तो क्या हो जाता है ये ऐसे लूप जैसा बनता है और फिर यहां से कट होके ये लूप है वो निकल जाते है रिमूव हो जाते हैं इसका मतलब क्या हो गया इंट्रॉन्स रिमूव तो बाकी के जो ये पिंक कलर के हमने दिखाए हैं एग्जॉन्स वही बचे तो वो आपस में फिर लाइगेस के लाइगेस एंजाइम के थ्रू जुड़ जाते हैं तो यानी ये कंटिन्यू अभी बन जाता है एम आर एन एक पहला मोडिफिकेशन ये हुआ जिसका नाम है स्प्लाइसिंग तो एच एन आर एन ए में दोनों तरह की सीक्वेंस होती है फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल बोथ तो जो भी नॉन फंक्शनल है यानी इंट्रॉन्स है जो कि जिसका कुछ भी काम नहीं है तो वो दूर हो जाते हैं रिमूव हो जाते हैं और बाकी का फंक्शनल पार्ट है वो आपस में जुड़ जाता है क्लियर ये हो गया फर्स्ट मॉडिफिकेशन जिसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग अब दूसरे की बात करते हैं हम सेकंड मॉडिफिकेशन सो अनदर मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड कैपिंग ठीक है कैपिंग मतलब कैप है ना तो जैसे कि सिर के ऊपर हम कैप लगाते हैं वैसे ही कुछ है इधर भी बात सो मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड हेक इज एडेड टू द फाइव प्राइम एंड ऑफ द एच एन आर एन ए यानी कि जो ये एच एन आर एन ए है उसके फाइव प्राइम एंड पे ये एक ऐसी न्यूक्लियोटाइड मिथाइलेटेड आके अटैच हो जाती है ठीक है मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राई फोस्फेट थ्री फोस्फेट मोलिक्यूल्स कहाँ पे फाइव प्राइम एंड पे तो ये आपको एमसीक्यू के लिए खास याद रखना है कि ऑलवेज कैपिंग है वो फाइव प्राइम एंड पे ही होती है ठीक है तो उसके लिए और उसमें भी कौन सी न्यूक्लियोटाइड आती है ग्वानोसाइन ट्राइफोसफेट तो ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है इवन थ्योरिटिकल एमसीक्यू में भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो है ही याद रखना आपको बट थ्योरिटिकल एमसीक्यूज में भी ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से प्राइम पे यानी फाइव प्राइम एंड थ्री प्राइम एंड फिर ये ट्राइफोसफेट का नाम है उसमें कुछ गलती दी होती है तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि फाइव प्राइम एंड पे और कौन सी न्यूक्लियोटाइड आती है मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफोट ठीक है इसी चीज को बोलते हैं कैपिंग बस और कुछ नहीं है तो एक ये आता है फाइव प्राइम एंड पे दूसरी चीज थर्ड चीज है टेलिंग तो तीसरा मोडिफिकेशन है उसे बोलते हैं टेलिंग तो ये भी नाम से कुछ समझ में आ रहा है टेलिंग है तो यानी कुछ टेल जैसा होगा है ना, so, in tailing, adenylate residues, यानी molecules, around 200 to 300 जितने molecules adenylate के आते हैं, इंडिपेंडेंट मैनर इट इज कॉल्ड पोली ए टेलिंग तो अब ये मान लो आर एन ए है जिसके इंट्रोन्स रिमूव हो गए, एक्सोन ही है यानी सिर्फ पिंक कलर की लाइन हमने दिखाई उसके फाइव प्राइम पे कैपिंग भी हो गया ठीक है का, टेल आ रही। तो, कहां पे? 3 पे, तो बहुत सारे है वो, आ जाते हैं मोलिक्यूल कंटिन्यूस आ जाते है जिसको क्या बोलते हैं पोली ए टे पोली मतलब तो बहुत सारे एडीनाइलेट मोलिक्यूल है तो ए और टेल जैसा लगता है क्योंकि एंड में एड हो रहा है तो इट इज कॉल्ड टे ठीक है सो देट इज हाउ ये तीन तरह के मॉडिफिकेशन होते after the synthesis of mRNA, जिसको हम एच एन आर एन ए बोलते हैं ठीक है प्रोसेस्ड एच एन आर एन ए नाउ कोल्ड एक्टिव एम आर एन ए द्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द ट्रांसलेशन ठीक है तो जैसे कि मैंने बताया कि ये न्यूक्लियस के अंदर बनता है एमआरएन ए तो जैसे ही वो मॉडिफाइड हो जाएगा पूरी तरह से तो वो न्यूक्लियस के बाहर आ जाएगा साइटोप्लाज्म में और वहां पर फिर उसके ऊपर प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन की यानी प्रोटीन सिंथेसिस की ठीक है तो यह लास्ट में मैंने दोनों तरह की डायग्राम दिखाई है जब एच एन आर एन ए बना था तो कुछ ऐसा लगता है यानी इंट्रोन इंट्रोन इंट्रोनेक्जोन ऐसे सिक्वेंस होती है और आफ्टर द थ्री मॉडिफिकेशन एच एन आर एन ए कन्वर्ट हो जाता है फंक्शनल एम आर एन ए में तो कैसा दिखता है सिर्फ एक्सोन्स रह जाते हैं इंट्रोन रिमूव हो गए ब्लैक कलर का पार्ट जो हमने दिखाया था फाइव प्राइम पे कैपिंग हो जाती है यानी मिथाइल मिथाइलग्वानोसाइन ट्राइफोसफेट है वो एड हो जाते हैं एंड थ्री प्राइम पे एडिनाइलेट रेसिड्यूस अराउंड टू हंड्रेड तो टू थ्री हंड्रेड जितने मोलिक्यूल एड हो जाते हैं जिसको बोलते हैं पोली ए टेलिंग सो so, कैपिंग स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग ये तीनों मॉडिफिकेशन के बाद जो भी ये एम दिखता है उसे ही बोलते हैं फंक्शनल एम पहले बना था आफ्टर थ्री प्रोसेस उसको क्या बोल रहे थे हम एच एन आर एन क्लियर तो दैट इज हाउ एम आर एन है वो सिंथेसाइज्ड होता है एक्टिव एम आर एन ए होता है तो ये मॉडिफिकेशन की मैंने एनिमेशन लिंक डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो अब एक और चीज जो कि इधर आपको मैंने दिखाई नहीं है मतलब लिख के पॉइंट नहीं बताया क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हो कैपिंग में ग्वानोसाइन ट्राइफोस्फेट है उसके ऊपर हमने एम लिखा है यानी मिथाइलेटेड है ठीक है तो ये एक जैसे कि हम पेन यूज करते हैं राइटिंग पेन लिखने के लिए उसके ऊपर कैसे ढक्कन होता है 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 ना कैप होती तो सेम वे ये एमआरएन ए भी मान लो उसके ऊपर ये ढक्कन लगा हुआ है मिथाइल का ठीक है तो यानी कि वो जैसे ही न्यूक्लियस से बाहर फंक्शनल एम आर एन ए होके न्यूक्लियस के बाहर आएगा साइटोप्लाजम में अब क्या होगा कि जब उसमें से मान लो कोई प्रोटीन बनाना है ठीक है तो तब क्या हो जाएगा ये जो मिथाइल रेसिड्यू है मोलिक्यूल है वो रिमूव हो जाएगा यानी जैसे ये मिथाइल रिमूव हो जाता है इसका मतलब ये उसका ढक्कन है वो खोल दिया ठीक है तो अब वो पेन लिखने के लिए रेडी होती है इंक है वो सेम वे अब ये एमआरएन एम ए से प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है ये प्रोसेस अभी आपको टेक्स्ट बुक के आपके सिलेबस में ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं दी गई है बट ऐसे एक्चुअल में प्रोसेस होती है जो कि मैं जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता रही हूं ओके अब फिर क्या होगा कि क्योंकि ऐसा क्यों है क्यों डायरेक्ट ऐसे एमआरएनए को ओपन रखते तो क्या होता तो आपको पता ही है कि जब भी किसी प्रोटीन को बनाने की जरूरत है यानी किसी सेल में किसी टाइप के प्रोटीन की कमी हो गई ठीक है तो मतलब नया बनाना है तो तभी जाके ये उसका जो एम बना होगा उस प्रोटीन का यानी उस जीन में से जो भी एम बना होगा वो तभी एक्टिवेट होगा जब जाके प्रोटीन को बनाना है अदरवाइज वो कंटिन्यूस एक्टिव ही रहेगा तो उसमें से प्रोटीन बनते ही रहेंगे तो ओवर प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा तो ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा उसका ठीक है जो भी कैरेक्टर को कोड कर रहा होगा प्रोटीन तो ये ना हो उसके लिए जिस भी कैरेक्टर की जरूरत है जितने भी प्रोटीन की जरूरत है उतने अमाउंट में जब बनाना होगा तभी जाके ये मिथाइल रेसिड्यू है वो एमआरएनए के कैपिंग यानी फाइव प्राइम एंड के ऊपर से रिमूव हो जाएगा और ये एम आर एन ए है वो फंक्शनल हो जाएगा वापस जब ये प्रोटीन की अभी नहीं बनाने की जरूरत होगी यानी नहीं बनाना है तो वापस से मिथाइल रेसिड्यू है वो आ जाएगा यानी मिथाइलेशन हो जाएगा और एम आर एन एनएक्टिव हो जाएगा ठीक है तो ये सेल क्या करता है प्रोसेस में कि एक्चुअल में उस एम आर एन ए को एक्टिव बना के रखता है यानी थ्री मोडिफिकेशन तो बना के रखता है जस्ट ये मिथाइल रेसिड्यू दूर करने की टाइम लगता है जब भी ये दूर हो जाएगा तो प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा जब भी ये मिथाइल है वो अटैच्ड है ट्राइफॉस्पेट पे तो उसका मतलब है वो एम है वो इनएक्टिव है ठीक है उसको अभी एक्टिव नहीं किया गया यानी उसमें से अभी प्रोटीन बनाने की जरूरत नहीं है क्लियर तो इस तरह से कुछ ये एमआरएन है वो अपना रोल प्ले करता है वो कहाँ पे साइटोप्लाज्म क्योंकि राइबोसोम वगैरह साइटोप्लाज्म के ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे होते हैं तो वहीं पे प्रोटीन बनेगा तो ये जैसे ही न्यूक्लियस में एम बन जाता है तो वहां से वो ट्रांसफर होके आ जाता है साइटोप्लाज्म में टू फॉर्म द प्रोटीन क्लियर और अगर प्रोटीन नहीं भी बनाना है तो न्यूक्लियस से तो एक बार बाहर आ जाएगा पर उसके ऊपर मिथाइल यानी ढक्कन लगा हुआ है वो एम आर एन एक्टिव नहीं है तो प्रोटीन नहीं बनेगा जब भी, भी प्रोटीन बनाना है तभी जाके उसमें से एमआरएन ए में से प्रोटीन बनेगा क्लियर तो इस तरह से मेकेजम होती है पूरी सेल में सारे अलाइंड प्रोसेस होते हैं सारे वेल डिफाइंड प्रोसेस होते हैं जब जिसकी जरूरत है तभी वो बनेगा अदरवाइज वो इनएक्टिव रहेगा क्योंकि अदरवाइज ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा किसी भी कैरेक्टर का ठीक है तो ये सारी वेल well ऑर्गेनाइज एक पूरी प्रोसेस होती है सेल की ठीक है सो दिस इज कॉल्ड एक्चुअल बायोलॉजिकल साइंस राइट सो टूडे लेक्चर इज ओवर इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर एन ए क्योंकि प्रोटीन पढ़ने से पहले प्रोटीन बनाने में प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होते हैं टी आर एन ए आर आर एन ए ये सारे तो उससे पहले हमको इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा डिटेलिंग में कि वो क्या है और वो आपके टेक्स्ट बुक के भी टॉपिक है तो देट इज माई ऑल्सो वी नीड टू लर्न फिर जाके हम पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस एंड में यानी प्रोटीन बनाने की जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो ठीक है बट बिफोर दिस हम उसके जो भी मोलिक्यूल्स यूज होते हैं उसमें यानी डिफरेंट टाइप के आर एन ए फिर एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स ठीक है ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो खत्म हो गई है आज आप लोगों की ओके थैंक यू